दारू का धंधा है हरियाणा यूपी बंगाल बिहार हर जगह फैल चुका है। अब थोड़ा इसको महाराष्ट्र में लाना है तो हम यहाँ कुछ डांस वांस करवा रहे हैं, होम मिनिस्टर को बुलाए हैं, ऐसा कुछ है मामला। मैंने यार भानु से बोला था कि ये वाले ऐसे भड़कीले कपड़े मत पहना, ऐसा टाइप में कहीं पहन चुका हूँ, बट वो माना नहीं। मैंने चल ठीक है भाई, मर्जी है तेरी। ये बिल्कुल अलग तरह का किरदार है, वो अलग तरह का किरदार था। तो इसमें जैसा संजय जी ने अभी बताया कि दारू वारू की भट्टियाँ हम लोग चलाते हैं, संजय जी हमारे मतलब उन्हीं के वो उन्हीं के अंडर हम सब लोग काम करते हैं। फिर ऐसा कुछ होता है कि नया ब्रांड आया है, उसका कुछ नाम रखना है, तो इन बिटवीन एक ऐसा कुछ घटना घटती है मेरे साथ कि ये शुरू से नहीं है इस तरह का जो लिबास है, वो बीच में चेंज हो जाता है। घटना कुछ ऐसी घटती है, वो फिल्म जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। कैप कहीं से आ जाती है, चश्मा और ये इस तरह का। हरियाणा के बेसिकली लोग हैं ये, हम संजय जी, मैं, दीपराज जी, जिम्मी और उनका अलग है हिस्सा, और ये जो आज आप देखेंगे यहाँ पे, ये मुंबई है, मड आइलैंड ही है फिल्म के अंदर, और यहाँ एक पार्टी होने वाली है विच इज़ क्लाइमैक्स ऑल्सो इन द फिल्म। मेरे साथ ज़्यादातर राजेश हीर जी हैं, जिमी शेरगिल और संजय मिश्रा, विजय राज, सारे एक से बड़े एक दिग्गज एक्टर्स हैं, और इनका जो कॉमिक टाइमिंग है ना बहुत ही कमाल का है, इसीलिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि कब क्या इम्प्रोवाइज कर दिया और आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, तो इट्स डिफिकल्ट। जो सीन मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली क्लाइमैक्स शूट करना हमने शुरू किया है पिक्चर का, और हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे जो फिल्म के विलन है माणिक सिंह, उनके डेन में घुसने के लिए। मैं फिल्म में एक सीसीटीवी कैमरा एक्सपर्ट हूँ, तो बस उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने, हम पहले गलत बंगले में घुस गए थे, अब असली बंगला सही वाला बंगला मिला है, दौड़ के अंदर पहुँचे क्योंकि समय बहुत कम। माई कैरेक्टर्स नेम इज़ रज़िया, और वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, जैसे जिमी का भी किरदार एक स्ट्रगलिंग एक्टर का है, तो हम दोनों एक साथ रहते हैं। ही इज़ माई बॉयफ्रेंड इन द फिल्म, और मेरा कैरेक्टर का नाम है रज़िया, और वो एक ऐसी लड़की है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, लेकिन वो उसकी लाइफ में बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि वो स्टार बनना चाहती है, और एक ये है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसे बता नहीं सकती क्योंकि वो पागल हो जाएगा, मतलब उसको शादी वादी मतलब शादी के लिए पूछेगा, और ही विल वांट टू गेट मैरिड, सेटल डाउन एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड सो फॉर हर इट्स लाइक पहले करियर फिर प्यार शादी ये सब कुछ, तो वो चाहती है कि पहले वो एक स्टार बने और फिर लाइफ में सेटल हो, लेकिन बीच में कहानी में कुछ और चीज़ें होती हैं, और जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, तो आपको फिल्म देखना होगा बस। नहीं, काफ़ी समय का भी, पिछले महीने तो शुरू हुई थी, तो अच्छा चल रहा है ये क्लाइमैक्स का सारा जो सीक्वेंस है वो शूट हो रहा है यहाँ पे, और बाकी जैसा मैंने आपको बताया था वही है अपना किरदार, पंचम का लड़का जो मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो फिरोज साहब की बहुत अच्छे तरीके से कॉपी करता है, लेकिन बहुत ही बुरी कॉपी करता है वो, और एक कॉमेडी है, एंटरटेनर।